नहीं है बट बैंक ऑफ बड़ोडा ये मर्जर uh, के बाद जो तीन चार बैंक का मर्जर हुआ है उसके बाद वो काफी पॉजिटिवली पॉजिटिव है और ग्रेजुअली वहाँ जो इम्प्रूवमेंट आती है वो यहाँ भी दिखनी चाहिए uh, इसके अलावा जो दूसरा बैंक मैं पॉजिटिव वो इंडियन बैंक है वहां मुझे लगता है एसेट क्वालिटी कंसर्न नहीं है तो वहाँ भी लगातार आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है अलाहाबाद बैंक का जो मर्जर किया है उसको जैसे जैसे वो सिनर्जाइज करते हैं और ऑपरेशनल एफिशियंसी इम्प्रूव करते हैं वो सब प्ले आउट करना चाहिए दोनों बैंक्स में अच्छी खासी मूवमेंट हो गई बट अभी प्राइवेट एंड पी है ये में और के के fact, में और दोनों को अगर मिला दें तो पिछले क्वार्टर में बैंक ऑफ बरोडा ने दिखाए थे तब वो स्टॉक का भाव था एक और वहां से एक वन वे रैली एक पर अब इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो जबरदस्त एक मूव यहाँ पर इस समय एक स्टॉक में आ रहा है राजेश जी दो सौ बड़ोडा जी देखिए जिस तरह से यहाँ पे वन सेवनटी तो पे जो इसका टू हंड्रेड डीएमआई है लेकिन यहाँ पे आप जो दो सौ का इमीजिएट टारगेट कह रहे हैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनूंगा लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव है वो रहेगा वन एटी फाइव के आसपास टेक्निकली वन टेक्निकली 185 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा बुलिशनेस यहां पर क्लियरली है इनफैक्ट क्रेडिट सुइस की भी एक रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी बैंक दरअसल आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे नतीजे अच्छे हैं ओवरऑल जो सिचुएशन है एसेट क्वालिटी की काफी इंप्रूव हुई है और वो सिलसिला जारी रहेगा उस लिहाज से बैंक ऑफ बड़ोदा पर उन्होंने जो टारगेट दिया है वो करीब दो का है तो अनु जो आप पूछ रहे हैं कि दो सौ की तरफ जाएगा क्रेडिट स्वीस को तो पूरा भरोसा है उसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा टू का टारगेट क्रेडिट स्वीस की ओर से आता हुआ दिखाई